कोतमा में फिर हवाई फायरिंग। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने थाने में जमा कराई लाइसेंसी और खिलौना बंदूक। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री को दी ये चुनौती। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने आज थाने में अपनी लाइसेंसी बंदूक सौंप दिया है। नए साल पर हवाई फायरिंग के बाद सुनील सराफ ने खुद कोतमा थाने पहुंचकर अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ टॉय बंदूक और टिकिया बंदूक जब्त करवाया है। सुनील सराफ ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई करने की चुनौती दी है। वहीं कोतमा में फिर विवाद को लेकर कट्टे से हवाई फायरिंग हुई है। कोतमा विधायक सुनील सराफ ने कहा कि मेरे टिकिया वाली बंदूक चलाने से भाजपा की सरकार ने हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि मैं कांग्रेस का विधायक हूं, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है और लगातार आरोप लगा रहे हैं। विधायक ने अपनी सफाई में कहा कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार मुझ पर कांग्रेसी होने के कारण यह आरोप लगा रही है। बता दें कि नए वर्ष के आगमन और अपने जन्मदिन के अवसर पर कोतमा विधायक सुनील सराफ का एक वीडियो हवाई फायर करते हुए वायरल हुआ था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद कोतमा थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। मामला पंजीबद्ध होने के 4 दिन बाद कोतमा विधायक सुनील सराफ कोतमा थाना पहुंचकर अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ टॉय बंदूक और टिकिया बंदूक भी विधायक ने जब्त करवाई।